हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डेटा कैसे आप इंसर्ट करेंगे ये जानेंगे। यानी कि टेबल है, दिखाता हूँ मैं आपको जिससे कि समझ में आएगा। ये टेबल है हमारा स्टूडेंट नाम का, इसमें अभी दो डेटा है, ID 1 ID 2। अगर ID 3 आपको ऐड करना है, यानी कि एक नया रिकॉर्ड आपको इस टेबल में ऐड करना है, नया रॉ अगर आप ऐड करना चाहते हैं, नया रॉ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वह हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। नीचे करता हूँ मैं इसको। हमारा डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो बना रहना चाहिए, जैसा पहले बना हुआ था बिल्कुल वैसा ही अभी भी बना हुआ है। उसके नीचे हम लोग इंसर्शन का कोड लिखेंगे। तो इंसर्ट का कोड क्या होता है SQL में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। हम लोग क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, किस टेबल में इंसर्ट करना है, देन कॉलम्स का नाम यानी कि किस में डेटा इंसर्ट करना है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो हमारा टेबल है इसमें ID जो हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ था, हमें सिर्फ डेटा नेम, रोल और एड्रेस में चाहिए। तो इन तीन कॉलम का नाम लिख देते हैं, नेम, रोल और एड्रेस। और क्या वैल्यूज़ हम लोग इंटर करेंगे, वो वैल्यूज़ आप यहाँ लिख दीजिए। हमारा जो पहला वैल्यू होगा वो होगा रानी, कॉमा देना है, और रोल नंबर इसका 103 कर देता हूँ मैं, कॉमा देना है, इसका एड्रेस कर देते हैं कोलकाता। ये हो गया। ये स्टेटमेंट आपको बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। तो इसको हम लोग किस में असाइन करेंगे, SQL में, जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट को किया था हम लोगों ने, बिल्कुल वैसा ही हम लोगों ने इस यहाँ भी किया होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली इतना रन करेंगे आपका जो क्वेरी है वो। इसमें सिर्फ एक आपको ये इफ़ लगा कर एक चेक कर लेना चाहिए, जो इफ़ लगाया मैंने, इफ़ MySQL आए क्वेरी। अच्छा पहले मैं ये हटाता हूँ, ठीक है, इतना आपको रन करके दिखा दूँ कि क्या होता है। इसको मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हमारे डेटाबेस में भी स्टूडेंट टेबल में आप देखेंगे कि दो रिकॉर्ड है। आपको यहाँ इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रेश होगा तभी आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन। इसको मैंने रिफ्रेश किया, आपका कनेक्टेड सक्सेसफुल्ली, और यहाँ आप इसको रिफ्रेश करके देखिए क्या स्टूडेंट टेबल में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको अभी एक और स्टेप इसमें फर्दर करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है MySQL क्वेरी इफ़। इसमें सब चेक भी कर लीजिए, साथ में कंडीशन देखकर हम लोग चेक भी कर लेते हैं, जिससे हमें प्रॉपर एक मैसेज मिल जाएगा, MySQL क्वेरी और कनेक्शन ऑब्जेक्ट और SQL। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो एको कर दो न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली। इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ सक्सेसफुल्ली, हमें तो बस चेक कर लेना था। और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी अगर आप इसको देखेंगे, पहले ये टेबल देख लीजिए, स्टूडेंट टेबल, इसमें दो ही रिकॉर्ड अभी भी दिखाई दे रहा है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ एक मैसेज मिल जाएगा, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली। और अब आप इस स्टूडेंट टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3 रानी 103 कोलकाता, जो आपने यहाँ इंसर्ट किया हुआ। इसी तरीके से अब अगर आप इसमें से इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, नहीं भी चेंज करेंगे, लेकिन इसको जब जब आप रिफ्रेश करेंगे वैसे वैसे, जैसे इसको आप एक बार और रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ एक और डेटा इंसर्ट होकर मिलेगा, बिकॉज ये कोड एग्जीक्यूट होगा हर रिफ्रेश के साथ। यहाँ आप एक और चेक करने के लिए एक और एल्स लिख दीजिए कि अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुल इंसर्ट नहीं होता किसी भी वजह से, मान लीजिए कि कहीं आपका कुछ एरर है इसमें, इस स्टेटमेंट में, तो आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड जो वो इंसर्ट आपका नहीं हुआ, अनेबल टू इंसर्ट डेटा या रिकॉर्ड सेव। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि टेबल का नाम यहाँ मैंने गलत लिख दिया, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करें। अभी देखिए इसमें हमारा एक दो तीन टेबल, तीन रिकॉर्ड ही है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ अनेबल टू इंसर्ट डेटा का एरर मिल जाएगा, यानी कि इंसर्ट नहीं हुआ। उसमें टेबल में चेक करेंगे तो आपको वो इंसर्ट होकर नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे टेबल का नाम गलत है। अगर सही होता तो आपका इंसर्ट हो जाता और आपको ये मैसेज मिलता। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इफ एल्स के साथ मतलब देख करके कैसे आप बेहतर बना सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ज़्यादा डिबग करने में आसानी हो, उस तरीके का कोड आप लिख सकते हैं। सो ये इंसर्ट करने का तरीका है, और नेक्स्ट वीडियो में इसको और बेहतर बनाएंगे हम लोग देखेंगे कि एक
प्रॉपर फॉर्म होगा हमारे पास, और उस फॉर्म में आप यूज़र से डेटा लेंगे और वो डेटा आपके डेटाबेस में जाकर सेव होगा। जैसे आप एग्जामिनेशन में फॉर्म फिलअप करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं और वो जो डेटा होता है वो उसके डेटाबेस में जाकर सेव होता है। तो वो कैसे होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ये, जिसमें हम लोगों ने मैनुअली लिख दिया है ये वैल्यू, लेकिन यूजर से अगर लेना हो तो कैसे लेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।